मेरे प्यारे देशवासियों, जनवरी में उमंग और उत्साह से भरे कई सारे त्यौहार आने वाले हैं, जैसे लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति, उत्तरायण, माघ बिहू, माघी। इन पर्व त्योहारों के अवसर पर पूरे भारत में कहीं पारंपरिक नृत्यों का रंग दिखेगा तो कहीं फसल तैयार होने की खुशियों में लोहड़ी जलाई जाएगी, कहीं पर आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई दिखेंगी तो कहीं मेले की छटा बिखरेगी, तो कहीं खेलों में होड़ लगेगी, तो कहीं एक दूसरे को तिल गुड़ खिलाया जाएगा। लोग एक दूसरे को कहेंगे तिल गुड़ दिया अणि गोड़ गोड़ बोला। इन सभी त्योहारों के नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सबको मनाने की भावना एक है। ये उत्सव कहीं न कहीं फसल और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, खेत खलिहान से जुड़े हुए हैं। इसी दौरान सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी के बाद से दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और सर्दियों की फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है। हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों को भी खूब खूब शुभकामनाएं। विविधता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की महक हमारे त्योहार अपने में समेटे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पर्व त्योहार प्रकृति से कितनी निकटता से जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति में समाज और प्रकृति को अलग अलग नहीं माना जाता, यहाँ व्यक्ति और समष्टि एक ही है। प्रकृति के साथ हमारे निकट संबंध का एक अच्छा उदाहरण है त्योहारों पर आधारित कैलेंडर। इसमें वर्ष भर के पर्व त्योहारों के साथ ही ग्रह नक्षत्रों का लेखा जोखा भी होता है। इस पारंपरिक कैलेंडर से पता चलता है कि प्राकृतिक और खगोलीय घटनाओं के साथ हमारा संबंध कितना पुराना है। चंद्रमा और सूर्य की गति पर आधारित चंद्र और सूर्य कैलेंडर के अनुसार पर्व त्योहारों की तिथि निर्धारित होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि कौन किस कैलेंडर को मानता है। कई क्षेत्रों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। गुड़ी पड़वा, चेटीचंद, उगादि, ये सब जहां चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, वहीं तमिल पुथांडु, विशु, बैशाख, बैसाखी, पोइला बैसाख, बिहू, ये सभी पर्व सूर्य कैलेंडर के आधार पर मनाए जाते हैं। हमारे कई त्योहारों में नदियों और पानी को बचाने का भाव विशिष्ट रूप से समाहित है। छठ पर्व नदियों तालाबों में सूर्य की उपासना से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति पर भी लाखों करोड़ों लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। हमारे पर्व त्योहार हमें सामाजिक मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं। एक और जहां इनका पौराणिक महत्व है, वहीं हर त्योहार जीवन के पाठ, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहने की प्रेरणा बड़ी सहजता से सिखा जाते हैं। मैं आप सभी को 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले त्योहारों का आप भरपूर आनंद उठाए इसकी कामना करता हूं। इन उत्सवों पर ली गई फोटोज को सबके साथ शेयर करें ताकि भारत की विविधता और भारतीय संस्कृति की सुंदरता को हर कोई देख सके।